अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आई एन के में खुश आमदीद तो आज जो मैं आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ वो एज़ और एस एस ईज़ की रेगुलराइजेशन के हवाले से जो बिल पेश किया गया उसका जो प्रूफ है वो आ चुका है उसमें एक वीडियो भी है वो भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ और ये बिल जो है इसकी कॉपीज जो है ये भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ देखें बिल एज़ इंट्रोड्यूस इन द असेंबली प्रोविंशियल असेंबली ऑफ़ द पंजाब ये ऊपर नंबर दिए हुए बिल का द पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो टू अमेंड द प पंजाब रेगुलइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट इट इज नी टू अमेंड द प पंजाब रेगुलइजेशन ऑफ सर्विस ये हवाले दिए हुए हैं कि ये इसमें जो अमेंडमेंट की गई है इसका शार्ट टाइटल जो है ये है कि दिस एक्ट में बी साइटेड एज द पंजाब रेगुलइजेशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट एक्ट इसका नाम है और ये इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस तो इंसर्शन ऑफ सेक्शन ये सेक्शन के हवाले दिए हुए हैं रिलेक्सेशन दी हुई है कि नॉट विंड एनी द एक्ट एनी Uh, other law or rules for the time being enforced the chief minister may utilize the service of the contract employees in relaxation of all or any of the provision of the act in such terms and conditions as may be determined by him, but such terms and conditions shall not be less favorable than the existing terms. the minister statement of objects and reasons. skip object or reasons, the punjab legislation of service act 2018 provides for legalisation of service.

मेंबर uh, इंचार्ज और मोहम्मद खान भट्टी सेक्रेटरी और ये वैसे तो ये पहले पेश हो चुका है लेकिन मजीद जो है अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है असम्बली में तो कैसे हुई है तो ये बताया गया है कि रेगुलइजेशन होगी उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो गट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो नाजरीन आगे इसका एक और पेज भी है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ नीचे दिखे हुए हैं तो कि बिल एज रिकमेंडेड बाय द स्पेशल कमेटी नंबर नाइन तो इसमें बिल के एक्ट एक्टेडेड पंजाब ऑफ सर्विस एक्ट इट इज नेसेसरी टू द पंजाब टूटी सर्विस तो नीचे देखें कि एडिशन ये जो अंडरलाइन पैराग्राफ एडिशन ऑफ द टू सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन फोर ऑफ एक्ट और नीचे लिखे हुए कि प्रोवाइडेड दैट नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग दिस सब सेक्शन एंड सब्जेक्ट टू सेक्शन थ्री ऑफ़ द एक्ट द चीफ मिनिस्टर मे इनलेक्सेशन ऑफ़ द प्रोविजन ऑफ द रेलिवेंट रूल्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट स्पेसिफाई पोस्ट एंड रेगुलराइज द सर्विस ऑफ द कंट्रैक्ट एम्प्लॉयज विदाउट रेफरेंस द केस द कमीशन यानी अब जो एस एस ईज़ और एज हैं उनकी रगैनजेशन हो जाएगी चीफ मिनिस्टर जो है उसके अंडर ये केस हुआ और फिर स्पीकर पंजाब असम्बली जो है उसने बिल पे साइन भी किए उसका जो प्रूफ है उस वीडियो को वह भी मैं आपको नाजरें दिखाने लगा हूँ यकीन ये एस एस ईज़ के लिए और ए ईज़ के लिए खुशी की खबर है तो कल एक ख़बर आई थी इतनी उसमें प्रूफ नहीं था जितना कि आज की इस वीडियो में जो प्रूफ है वो मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि